हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग साइंस बायोलॉजी का आज हम लोग चौथा वीडियो देखेंगे। इसके पहले हमने तीन वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कल के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कल के वीडियो में जो कुछ भी हमने पढ़ा था, यानी पिछले वीडियो में, उसका हम लोग थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे और आज के क्लास को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में, ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हमने देखी थी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा देखा था हमने बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमेलियम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखा था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किया था। उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम लिखी थी। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि इस नोट्स के एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बना है, इसलिए इस नोट्स को हल्के में लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। लिविंग सेल के लक्षण मैंने बताए थे कल के पिछले वीडियो में कि कितने लक्षण होते हैं, तो तीन लक्षण होते हैं। उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। आज हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही स्टार्ट किए थे, पिछले वाले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की, तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो प्रजनन दो प्रकार का हमने देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन। इसका हमने डिटेल अध्ययन पिछले वीडियो में हमने कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे का कारण क्या है, तो ये क्या है, सेल डिवीज़न है यानी कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था कि मदर सेल डॉटर सेल में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। और यह तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। तो पहला क्या होता है, अमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन, दूसरा होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचयी क्रिया से शुरू करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, तो भोजन का टूटना और जुड़ने की क्रिया को ही उपापचयी क्रिया कहते हैं। जैसे कि किसी बड़े भोजन को, यानी बड़े भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ये क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बड़े बड़े, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बड़े बड़े भोजन को, बड़े बड़े भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कैटाबॉलिक। ठीक है, और दूसरा क्या कहलाता है, कि छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़े के रूप में बदलना, ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, एनाबोलिक कहलाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करके यहाँ से इस चैनल को ज्वाइन करके आप इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि सारा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए, हमने पढ़ा उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया क्या होता है, तो भोजन का टूटना और जुड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। बड़े भोज्य पदार्थों का छोटे भोज्य पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक कहलाता है। उसी तरीके से छोटे भोज्य पदार्थों का बड़े भोज्य पदार्थों में बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग जो खाना खाते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, वो क्या होता है, वो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, उसका पाचन होता है।
उसके पचने से क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एनर्जी, ठीक। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बाद में वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इस एनर्जी से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में रेस्पायरेशन होता है, यानी जो सांस लेते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन यानी कि श्वास सांस लेते हैं और परिसंचरण करते हैं। परिसंचरण किसका करते हैं, रक्त का। भाई हमारे शरीर में क्या है, रक्त का ही तो परिसंचरण होता है, रक्त का। तो क्या करता है, रक्त का परिसंचरण। और रक्त का परिसंचरण के लिए भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में एनर्जी क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है और परिसंचरण का कार्य करता है। और उसके बाद से ये सब काम करने के बाद जो भी चीज़ें हमारे शरीर में एक्सेस चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में हम उसका उत्सर्जन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेटाबॉलिक क्रिया, हम आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य लैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, यानी कि इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बाह्य लैंगिक प्रजनन क्या होता है। और इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे इंट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीकी। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी हैप्पी न्यू ईयर करके मूवी, जिसमें क्या होता है कि एक बच्चे को, मतलब जैसे आपने सेरोगेट माँ के बारे में सुना होगा ना, सेरोगेट माँ, तो टेस्ट ट्यूब बेबी, सेरोगेट माँ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेरोगेसी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे बच्चे का जन्म होता है, और IVF तकनीकी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही कहलाती है हमारा बाह्य लैंगिक प्रजनन। तो बाह्य लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि एक प्रयोगशाला में मेल का स्पर्म यानी कि पुरुष का शुक्राणु और महिला का जो अंडाणु ओवम होता है उसको क्या किया जाता है, एक प्रयोगशाला में, एक लेबोरेटरी में, एक जार में रख के इन दोनों को, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को रख के 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 3 से 4 डिग्री तापमान पर हल्की विद्युत की किरणों का बौछार कराया जाता है और इन दोनों को फ्यूज कराया जाता है। किसको किसको, तो मेल के स्पर्म को और महिला के, मतलब फीमेल के ओबम को इस फ्यूज कराया जाता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट को, जब ये जाइगोट बन जाता है, तो इस जाइगोट को निकाल कर दूसरी माँ, जैसे मान लीजिए कि कोई औरत है जो माँ नहीं बन सकती, वो क्या करती है कि वो IVF तकनीकी के द्वारा या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा एक डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से कहती है कि मुझे माँ बनना है, लेकिन मेरे पास वो ऑर्गन नहीं है जिससे मैं माँ बन सकती हूँ। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर तो सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, आपके अंडाणु को निकालकर और आपके पति के स्पर्म को निकालकर हम एक लैब में इसको फर्टिलाइजेशन, इसको फ्यूज करा के जाइगोट का निर्माण करके किसी दूसरी माँ के गर्भ में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो दूसरी माँ के गर्भ में जो ट्रांसफ़र कराया जाता है इस जाइगोट को, वो माँ क्या हो जाती है, वो माँ कहलाती है सेरोगेट माँ, ठीक है। यानी दूसरी माँ क्या कहलाएगी, सेरोगेट माँ के। और इसी से जो बेबी जो जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, यह सारी प्रक्रिया एक प्रयोगशाला में कराया जाता है, और इस प्रयोगशाला में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि IVF तकनीकी कहते हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या नाम दिया गया था, तो ये नाम दिया गया है इंदिरा, यानी कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन हुआ था, तो इंदिरा हुआ था, ठीक है, इंदिरा नाम दिया गया था। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर से याद रखिएगा। अब हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्या इसमें सेक्सुअल पार्ट और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल पार्ट यानी कि स्पर्म और ओबम भाग नहीं लेते। असेक्सुअल, आपके नाम से ही पता चल रहा है ना, असेक्सुअल यानी क्या, अलैंगिक यानी कि, अलैंगिक यानी क्या, कि बिना लैंगिक के, यानी कि इस रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल पार्ट यानी कि स्पर्म और ओबम भाग नहीं लेते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक हाइड्रा नामक पौधा होता है, हाइड्रा नामक पौधा कुछ ऐसा दिखता है, उसका एक बड होता है यानी बीज, यानी जो ये जो बीज होता है बड, ये क्या होता है, ये हाइड्रा नामक पौधा अधिकतर क्या होता है, जलीय जगहों पर रहते हैं यानी पानी में रहते हैं। तो ये जब बड अपने आप क्या होता है, इससे टूट के जब अलग होता है तो अपने आप एक नया हाइड्रा का जन्म हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग लिया, नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रा का बीज है अपने आप टूट जाता है और पानी में तैरता है और उसी इस टूटे हुए बड से ही एक नए हाइड्रा का जन्म होता है। तो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि भाई यह एक क्या है, यह एक अलैंगिक प्रजनन है। क्यों है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल पार्ट भाग नहीं लेता। जो क्लोन बनते हैं जैसे कि आजकल किसी का भी क्लोन बनाया जा रहा है, मूवी में आपने देखा होगा कि अधिकतर क्लोन बनते हैं। जैसे आप लोग अगर हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो उसमें क्लोन के द्वारा दूसरे मनुष्य का टू कॉपी बनाया जाता है या किसी बकरी का ही टू कॉपी बना दिया जाता है। तो ये जो क्लोन बनता है ना, ये किसके द्वारा बनता है? यह अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही तैयार होता है। यानी जो भी क्लोन आजकल बन रहा है, चाहे वो मनुष्य का हो या गाय का हो या किसी जानवर का हो, किसी का भी हो या किसी पक्षी का हो, तो जो क्लोन बनता है वो किससे बनता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही तैयार होता है। तो उम्मीद है आप अब समझ गए होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लोन क्या होता है, तो क्लोन होता है किसी भी जीव का सेम कॉपी यानी कि समान प्रतिरूप क्लोन कहलाता है। यानी कि अगर मैं आपका क्लोन बनाना चाहूँ तो आपका ही सेम प्रतिरूप मैं बना सकता हूँ, ठीक है। यानी कि क्लोन क्या होता है कि क्लोन होता है किसी भी जीव का सेम कॉपी यानी समान प्रतिरूप हुई क्लोन कहलाता है। और ये बहुत हद तक आपके द्वारा आपके जैसा ही दिखेगा, जैसे आप हो वैसे ही दिखेगा। इसलिए क्लोन तकनीक के इस्तेमाल का इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया दिया जा रहा है। और क्लोन तकनीकी किससे बनता है? तो यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा तैयार होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लोन निम्न में से किस विधि द्वारा बनता है, तो वो बनता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनता है। और फर्स्ट क्लोन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लोन एक सिप का बनाया गया था, जिसका नाम सिप यानी भेड़ का बनाया गया था, जिसका नाम था डॉली, ठीक है। और ये कब बनाया गया था? तो 1996 में। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली फर्स्ट क्लोन किसका बनाया गया था, तो भेड़ का बनाया गया था जिसका नाम है डॉली। और ये कब बनाया गया था? तो 1996 में, यानी 1996 में इसको बनाया गया था। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वैज्ञानिक का नाम भी पूछा गया है, इयान विलमुट और उनकी टीम द्वारा। और ये कहाँ पे बनाया गया था डॉली नामक क्लोन, पहला क्लोन? तो स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में, यानी स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में इयान विलमुट ने पहला क्लोन एक भेड़ का बनाया था, जिसका नाम क्या है? डॉली है। और वो डॉली कब था? 1996 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और आप रोजलिन संस्थान कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा ने भैंस का क्लोन तैयार किया जिसका नाम था गरिमा, ठीक है। तो आपसे अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए कि इंडिया के NDRI द्वारा पहला क्लोन किसका तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था भैंस का, और उसका नाम क्या था? गरिमा नाम था। और CSIR दिल्ली ने बकरी का क्लोन तैयार किया जिसका नाम था नूरी नाम था, ठीक है। यानी CSIR ने बकरी का क्लोन तैयार किया था जिसका नाम था नूरी। ये क्वेश्चन भी आपके दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो अमीबा पैरामीसियम और युगलिना में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो अभी याद रखिएगा, अमीबा पैरामीसियम और युगलिना में जो अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो विखंडन द्वारा होता है, यानी फिजन द्वारा होता है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक अमीबा पैरामीसियम है, ये कुछ दिन बाद इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इसका आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच में से ये टूट जाएगा, ठीक है, और टूट के दो पार्ट में ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या होता है? विखंडन द्वारा। इसमें क्या हो गया? जब टूटा तो इन दोनों में क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो इसीलिए अमीबा पैरा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा पैरामीसियम और युगलिना में किस अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन होता है। तो ये होता है विखंडन द्वारा, आप लोग इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हाइड्रा और यीस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। खमीर में मुकुलन द्वारा यानी कि बडिंग द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है या अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। यानी कि जो हाइड्रा और ईस्ट में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है, ठीक है। यानी कि मुकुलन द्वारा हाइड्रा और ईस्ट यानी कि खमीर में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुकुलन द्वारा। और उसी तरीके से मैं कहूँ अमीबा पैरामीसियम और युगलिना में
किस प्रजनन द्वारा वो डिफ्यूजन होता है, तो ये होता है विखंडन के द्वारा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारा मतलब अब बायोलॉजी का इतिहास ख़त्म हो गया है, अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इन्होंने बताया कि जीव कितने प्रकार का होता है, तो इन्होंने बताया कि जीव दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्लांट यानी कि पौधे प्लांट, और दूसरा होता है एनिमल यानी कि जानवर। यानी जीव कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, पादप और जंतु, जिसे जिसे नाम दिया गया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो कैरोलस लीनियस आप बताएंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो ये भी कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया है? तो ये दिया है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और लीनियस महोदय ने ही सबसे पहले द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि कैरोलिनियस महोदय ने ही सबसे पहले कौन सी पद्धति दी थी, तो द्विनाम पद्धति दी थी, जिसको इंग्लिश में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और यह मटर के दाने से जिसका रासायनिक नाम पाइसम और सटाइवम, जिसमें से पाइसम क्या है, इस मटर के दाने का वंश है, और सटाइवम क्या है, एक जाति है, यही द्विनाम पद्धति कहलाता है रासायनिक नाम। यानी पाइसम क्या हो गया, वंश हो गया, और ये सटाइवम क्या है, एक जाति है, तो ये क्या हो गया, दो नाम हुआ ना, एक वंश के द्वारा और एक जाति के द्वारा दो नाम दिया गया, तो इसी को क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इसे किसने दिया है, तो लीनियस महोदय ने, कैरोलस लीनियस महोदय ने दिया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और आर एच विटिकर भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो ये दिया है आर एच विटिकर साहब ने, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जिसका नाम क्या था, तो पहला नाम था मोनेरा, ठीक है, दूसरा नाम था प्रोटिस्टा, तीसरा नाम था फंगी यानी कि कवक, और चौथा नाम था प्लांट यानी कि पादप, और पाँचवा था एनिमेलिया यानी कि जंतु। यही इनके पाँच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा है प्लांटी, और इसे कहते हैं एनिमेलिया यानी कि जंतु। यानी फंगी को क्या बोलते हैं, कवक, और प्लांट को पादप बोलते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा ही बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में यानी कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पहला हम लोग जो मोनेरा पढ़ेंगे उसका डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, उसी तरीके से प्रोटिस्टा के बारे में भी कल पढ़ेंगे, कवक के बारे में भी कम पढ़ेंगे, और प्लांट के बारे में भी कल पढ़ेंगे, और जंतु के बारे में भी कल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन सभी का PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, उसको सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी क्लास का PDF आपको वहीं पे मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।